दोस्तों स्वागत है आप सभी हिंदी टेक न्यूज के एक और काफी अच्छे से और फ्रेश एपिसोड में। मैं लेके आपके लिए काफी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे टेक एपिसोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें आज की हमारी पहली टेक न्यूज की। तो यहाँ पर वो है टेस्ला की तरफ से और इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के जो ऑपरेशंस होने वाले हैं, इंडिया में जो टेस्ला आ गई है अभी, तो उसके बाद हायरिंग भी होनी है जो अलग अलग पोस्ट है उनके लिए। तो अभी रिलायंस की एक एक्स एग्जीक्यूटिव है, उनको हायर किया गया है एज एचआर, यानी कि जो भी यहाँ पर एचआर रहने वाली टेस्ला की इंडिया के अंदर, वो एक्स एग्जीक्यूटिव है। इनका नाम है यहाँ पर चित्रा थॉमस। अभी इन्होंने पहले भी काफ़ी काम किया, यानी कि यहाँ पर ये रिलायंस के साथ में काफ़ी टाइम से हैं, जहाँ पर ये जो रिलायंस का ऑनलाइन इनिशिएटिव है आजियो, उसके अंदर भी ये एचआर थी और उससे पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंस, जहाँ पर इन्होंने वॉलमार्ट इंडिया में 5 साल काम किया है और उससे पहले यहाँ पर एसपी में 6 साल ये लगभग काम कर चुके हैं। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें काम आएंगी। तो टेस्ला ने एक सही इंसान को चुना है अपने एचआर के लिए, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, यहाँ पर एप्पल की तरफ से है, जहाँ पर एप्पल की एक बोल सकते हैं ब्रांड है जो एप्पल के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके जहाँ पर उसके मैकबुक आते हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो उसका नाम है यहाँ पर क्वांटा। और उसके ऊपर अभी एक रैनसमवेयर अटैक हुआ है, यानी कि यहाँ पर $50 मिलियन की यहाँ पर मांग की गई है और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चोरी हुए, यानी कि एक यहाँ पर हैकर्स का अटैक है जिसके अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं, यानी क्लेम कर रही है यहाँ पर जो ये रैनसमवेयर है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रुप है ये हैकर्स का, वो क्लेम कर रहा है। और जो ग्रुप का नाम है वो है यहाँ पर सोदिनो कीबी, अभी अगर यही इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है मुझे अजीब लगा ये। तो ये है यहाँ पर एक ग्रुप है जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि उसके पास यहाँ पर जो अपकमिंग यहाँ पर डिवाइस है एप्पल के, उनका डेटा है, जिसके अंदर 2 मैकबुक हैं और एक यहाँ पर एप्पल वॉच है, यानी कि जो स्मार्ट वॉच है एप्पल की, तो जहाँ तक उम्मीद वो एप्पल वॉच 7 है और जो मैकबुक है वो पता नहीं कौन से हैं, पर हाँ वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, वो डेटा है जो अपकमिंग वाले हैं ये। और इन्होंने बोला कि इसे हम रिवील कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं अभी जो भी करेंगे, पर उसके लिए उन्होंने यहाँ पर जो अमाउंट चार्ज की मतलब बोला है अमाउंट के लिए, वो है यहाँ पर $50 मिलियन। और इसके लिए यहाँ पर क्वांटा ने मना कर दिया है कि वो ऐसा कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसका। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर टेस्ला की तरफ से है, यानी कि टेस्ला के लिए अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, जहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट बॉडी भी है यूएस में जो कि कंज्यूमर रिपोर्ट्स है, उन्होंने अभी यहाँ पर एक बोल सकते हैं सर्वे किया, एक रिपोर्ट तैयार की है यहाँ पर, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि टेस्ला को बिना ह्यूमन इंटरफेस के भी, यानी इंटरफेरेंस के भी यहाँ पर ऑटो पायलट पर डाला जा सकता है। यानी कि जैसा टेस्ला ने क्लेम किया है कि यहाँ पर ऑटो पायलट हम डाल सकते हैं, पर उसके अंदर यहाँ पर बोल सकते हैं ह्यूमन का एक इंटरफेरेंस होना जरूरी है, यानी कि ह्यूमन को यहाँ पर थोड़ी सी उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बोल सकते हैं हैंडल के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। ठीक है, उनका पहले से क्लेम किया उन्होंने ये चीज़। और यहाँ पर अभी ये जो कंज्यूमर रिपोर्ट्स, उन्होंने बताया कि अगर उसके हैंडल के ऊपर एक चेन लटका दी जाए और जो सीट बेल्ट है उसको मतलब बिना ह्यूमन कॉन्टैक्ट के यहाँ पर सिर्फ उसके अंदर लगा दिया जाए उसकी सीट के अंदर, तो यहाँ पर ऑटो पायलट अपने आप से काम करेगा। मतलब कि देखिए, उसे फूल किया गया, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसे इजीली ट्रिक किया जा सकता है, फूल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को, कि यहाँ पर हैंडल के ऊपर थोड़ा सा वेट डाल दिया जिससे कि उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर एक ह्यूमन का यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है और उसके बाद वो काम करता रहे, जो कि अनसेफ है, सीधी सी बात है, क्योंकि नहीं पता अगर सामने कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए जो सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए तो वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, जो कि मैक्सिको में हुई है, यहाँ पर 2 लोग मरे भी हैं, जो कि बहुत बुरी न्यूज़ है, पर फिर भी ऐसी चीज़ें हुई हैं काफ़ी जगह पर, यहाँ पर इसके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं टेस्ला के खिलाफ, तो अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा इसका फ्यूचर। बात करें हमारे अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर शाओमी तरफ से, और शाओमी का जो मी क्यूएलईडी टीवी था 75 इंच वाला, जो कि अल्ट्रा एचडी टीवी है, एचडीआर के साथ में एंड्रॉयड जो यहाँ पर टीवी है वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी जो प्राइसिंग है 75 इंच वाले वेरियंट की यहाँ पर वो है ₹1,20,000। तो जिसको भी खर्च करना आप कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, अभी लॉन्च हो चुका है और मैंने पहले डिटेल दे दी इसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ के अंदर ही, मैं सोच रहा हूँ अभी ना दूँ, और ये क्विक न्यूज़ थी, आप लोग देख सकते हैं, उसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर एसूस की तरफ से है, एसस या आसूस आप जो भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एसस का जो लैपटॉप है जो कि है एसस एक्सपर्ट बुक B9 2021 वेरिएंट, अभी ये लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर और जो प्राइसिंग है वो है यहाँ पर 1,15,500 से स्टार्टिंग है इसकी, जहाँ पर आपको काफ़ी मतलब जो फीचर्स हैं एक अल्ट्रा बुक के हिसाब से दिए जाते हैं, यानी कि गेमिंग लैपटॉप नहीं है, एक अल्ट्रा बुक लैपटॉप है, यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस
जो भी मतलब लोग बिजनेस करते हैं जिनको इनका काम गेमिंग नहीं है बाकी काम है, तो उनके लिए है लैपटॉप जहाँ पर आपको हार्डवेयर एक ठीक ठाक मिल जाएगा। डिज़ाइन आपको एक अल्ट्राबुक वाला मिलता है तो उसके अंदर आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, 14 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलेगी 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में। नहीं, 400 निट्स बहुत ज़्यादा कम है पर फिर भी गेमिंग तो करनी नहीं है इसमें। बाकी बात करें इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो i7 मिलेगा, 11th जनरेशन वाला। अभी मेरे को जहाँ तक ये चीज़ पता है और जहाँ तक मैंने देखा है 11th जनरेशन वाले जो प्रोसेसर हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो इसी वजह से i7 जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इस वजह से लैपटॉप की ओवरऑल प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। दो वेरियंट है इसमें आपको रैम के लिए 8 और 16 GB के, और स्टोरेज भी अप टू 2 TB तक आप लोग देख सकते हैं आपको कौन सा स्टोरेज वाला चाहिए वेरियंट। तो मेरे हिसाब से तो देख लो अभी जो जिसको भी लेना हो, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए नहीं, लैपटॉप अगर इतने रुपए में खर्च कर रहा हूँ तो मैं मैकबुक की तरफ जाना पसंद करूँगा और सही है लैपटॉप लॉन्च। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं iPhone 12 mini की तरफ से है, और ये जो iPhone 12 mini के रेंडर्स नहीं है यहाँ पर, ये फाइनल इमेजेस दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो कैमरा मॉड्यूल है वो चेंज है पूरा। और आप देख सकते हैं जो लीक्स आई थी कुछ दिन पहले, मैंने बताया था इसके बारे में, जहाँ पर जो कैमरा पोजिशन है वो चेंज हुई है, यानी कैमरा लेंस की जो पोजिशन है, और अभी आपको दिखाई भी दे रही होगी। और फाइनल प्रोडक्ट जैसा दिखाई देता है पर मुझे लग नहीं रहा है रियल है, अभी अगर इमेजेस लीक हुई हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर फिर भी मुझे रियल नहीं लग रहा है। और सच बताऊं ये बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है, मतलब रेंडर्स में इतना प्यारा लग रहा था ये फ़ोन इस नए कैमरा सेटअप के साथ में, पर यहाँ पर इस तरह से देखने में इमेजेस में, लाइव इमेजेस में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। मुझे लगता नहीं है पर ऐसा कुछ करने वाला है जो दिखने में अच्छा ना लगे। खैर ये आप देख सकते हैं लाइव इमेजेस लीक हुई हैं तो देख लीजिए, मेरे उम्मीद से तो ये फेक है पर फिर भी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो एप्पल की तरफ से है, और यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं जहाँ पर एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में थी कि मतलब ऐसा होना है नहीं होना है। किस बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आईपैड और मैकबुक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो आईपैड प्रो है और जो मैकबुक है दोनों को यहाँ पर मर्ज नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, यानी कि अभी कोई प्लान नहीं है एप्पल के कि वो आईपैड को और यहाँ पर मैकबुक को मर्ज करे, क्योंकि जिस तरीके से अभी नए वाले आईपैड के अंदर M1 चिपसेट आ चुका है जो कि एक लैपटॉप वाला चिपसेट है यानी मैकबुक वाला चिपसेट है, उसको अभी आईपैड में डाला गया है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आईपैड और मैकबुक एक होने वाले हैं, क्या इसे मर्ज कर देंगे, क्या हमें आईपैड के अंदर भी मैकओएस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अभी ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों प्रोडक्ट अपने अपने इंडिविजुअली अलग काम कर रहे हैं, अलग मार्केट है दोनों की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं अभी जो नया वाला मैकबुक है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, उनको फिगर आउट करेंगे। और ये वाला भी है जिसके अंदर कि मतलब क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब मर्ज क्यों नहीं होना चाहिए, और दोनों प्रोडक्ट किस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, और क्यों अलग नहीं, मतलब क्यों मर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। वैसे जो वीडियो वो शायद कल परसों में आएगी तो मैं आपको सभी चीज़ समझाने वाला हूँ, ज़रूर देखना उस वीडियो को। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर बात करें वो अमेज़ॉन की तरफ से है, और अमेज़ॉन ने फाइनली अभी यहाँ पर अपने जो एलेक्सा उसके अंदर भी ये फीचर दे दिया है कि हम एलेक्सा से पूछ सकते हैं कि हमें वैक्सीन कहाँ मिलेगी, यानी कि वैक्सीन की लोकेशन हमें बता देगा कि जहाँ जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है हमारे आसपास वहाँ पर ये बता देगा कि यहाँ पर वैक्सीन मिल सकती हैं, तो हम एलेक्सा से पूछ सकते हैं। वैसे अभी ये लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर फीचर दिया गया, इसमें शायद 85 कंट्रीज़ के आसपास हैं, और फ्यूचर में इसे और अपडेट करेगा अभी अमेज़ॉन, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और आप लोग भी प्लीज़ सेफ रहिए और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। बात करें आज की हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, जहाँ पर जूम की तरफ से है, जहाँ पर जूम ने और भी काफ़ी सारे फीचर्स अनवील किए हैं, लॉन्च किए हैं, जहाँ पर जूम को और ज़्यादा बोल सकते हैं इंट्रैक्टिव बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, जिस तरीके से मतलब लाइव इंट्रैक्शन के टाइम पर होता है ये चीज़ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, तो इससे लाइव मीटिंग को या लाइव जो चैट्स होती हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए काफ़ी सारे फीचर्स काफ़ी सारी कंपनी निकाल रही हैं। और यहाँ पर जो मोस्टली फीचर्स हैं ये जो यूज़र्स उनके फीडबैक के ऊपर, इनके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं, जहां पर इनका यहां पर इन्होंने इमोजी डाले हैं, और मतलब और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की है, जो बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जा सके। वैसे है तो फिर भी बोर ही वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासिंग,
मतलब ऑनलाइन क्लास लेना बोर है, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास ही लेनी पड़ेगी। मेरे तो एग्जाम भी चल रहे हैं। खैर, यहाँ पर ये फीचर आए हैं नए वाले, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जूम, अगर आप लोग यूज़ करते हैं, और नहीं करते तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है अभी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और टेक न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी। और ख़त्म होती है टेक न्यूज़ नंबर 138 यानी 138। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।